जो हमारे पूर्वज थे वो अमृतसर में पट्टी सरियाली पिंड पड़ता है उतर से आगे इतने बह गए थे। उसके बाद हमें यहाँ रहने लगे, जैसे जैसे यहाँ रहने लगे यहाँ की मातृभाषा जो हरियाणवी है वही आएगी। सिंह बॉर्डर पर जाने के बाद मैंने उससे बोला भाई मेरे को सिंह सजना है, नुल्ला वेख ले कद फिर बाद में मैं सोच लिया मैंने समाज सेवा करनी है, मैंने सिंह सजना है। फिर मैं लंगर की सेवा करने लग गया। विवेक रखने लग गए? हाँ जी विवेक लंगर का पैरा करता सी मैं उत्ते। मैं पूछना चाहना कि विसाखी वाले दिन जिहड़ा सिंघू स्टेज दे कोल जिथे अमृत संचार कराया जा रहा है उत्थे तुसीं अमृत छक? हाँ जी उत्थे अमृत छकिया बाबा संत श्रोमणी अकाली बुढ़ा दल मौजूदा जथेदार बाबा मान सिंह छण मह करोड़ी। परिवार वालों उदों परिवार ने की कहा, परिवार ने मंजूर किया सब? ना तो मेरे परिवार को, मेरी माता पिता मेरी बहन भाई मेरे बुआ फूफा मामा मामा किसी ने मेरे से कोई एलर्जी नहीं है, ना उन्होंने मेरे को ये कहा तने ये क्या कर लिया कुछ नहीं कर लिया। मेरा ये साडा अपना जीवन है, मेरे को समाज सेवा करनी थी, जैसे भी मेरे गुरु महाराज के घोड़े हैं मैंने लंगर की सेवा है, वो मेरे अपने निर्णय है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं कोई किसी आरएसएस संगठन या बीजेपी पार्टी का के आरोप मेरे पर लगाए गए हैं, अगर मेरे को तो छोटे किसी संगठन मेरे फादर मेरे बाप दादा या मेरे जितने भी किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन दे नाल कोई संबंध साबित तो करके दिखाओ। बाबा राजा राम ने ये आपको इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं मैंने वोट नहीं देता। बाबा राजा राम सिंह का जथेबंदी का बंदा है जस्सी, एक है पप्पू और एक जो सिविल वर्दी में रहता है दस्तार सजाई, मैंने नहीं पता वो सिख है अमृतधारी है या कौन है, वो बंदे रहते मैं पहचान सकता हूँ। एक शेरा सिंह है बाबा कुलविंदर सिंह के उसमें चोंटे वाला जी खंडा ले गए फिरता नहीं शेरा, उन्होंने मेरा वाणा ला दिता, उन्होंने क्यों कौन सा हक है मेरा वाणा गुरु महाराज का वाणा लाने का। लक्के सिधाने हुरी कह रहे ने उन्होंने बंदे ने कहा है कि साडा कोई कसूर नहीं ये तुसी कसूर मानते हो उन्होंने सारे का? लक्का सिधाना कह रहा है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, लक्का सिधाना कहता कि मेरे अकाउंट में 12,000 रुपये कनेडा से फंडिंग हुई है। मैंने लक्के सिधाने को एक गल कही थी मगर तू एक बार साबित तो कर दे मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल ले। मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट आज से लेकर जिस दिन तक मैं दल बंद जिस दिन से मेरा अकाउंट खुला है उस दिन से लेकर विदेशी फंडिंग भी दिखा दो एक रुपये की भी, वो तो 12,000 की गल करते हैं। अपने जिन्हें दल पंथा ने भी रहे बिच रहे हो निहंग सिंह ने तो वह भी जेडे सिखी के व्डे हमदर्द बनते हैं तो मन से की बीती जो सा बाबा राजा राम ये कहता है कि मैं दल पंथ का मुखी बनता है। बाबा अमन सिंह ने उत निशान साहब लाया था, निशान साहब चढ़ की कला का प्रतीक होता है कि उसने ये कह के ये बूढ़े दल का निशान साहब उसने निशान साहब ला दिता। किसी के बारे में जवाब देने से पहले कुछ बोलने से पहले कुछ उसको सोचो तोलो परखो तब किसी के बारे में विचार करो। अगर उसकी माँ ने इतना दूध पिलाया ना बस तारे टोल टैक्स पे आके बिखा दे गुरु सच्चे पातशाह दे पुत नहीं है अगर मारे में वो अकड़ गया तो लखे सदाने ने अगर दो दिन के अंदर वीडियो वायरल करके माफी नहीं मांगी ना या हमारे बुजुर्गों ने सभी ने कह दिया है और अभी दो घंटे पहले चैलेंज भी किया था और पूरा कह भी दिया था फिर ये हरियाणा के हैं लंबा घेर के भी माफी मंगवाओगे या तो दो दिन के अंदर। हाँ कुछ सदियों रोई थे सानू दसो कितने अभी कितने जाना है सानू दसो कितने आना उन्हें कौन है कौन आप तो सिख नहीं तो निहंग सिंह बदनाम करता पाया वह तो सानू टाइम दे पे तो कितने सानू सद उत्थे जाने कौन है कौन उन्होंने मैं चेतावनी देना खबरदार दोबारा अगर ऐसी हरकत की थी तेरा वही हाल होगा जेड़ा कभी मसे रंगड़ा होया। जयकारा गजाए बाबा गुरु गोविंद सिंह ही दे जना भावे सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो के टी वी यूके माया मनदीप सिंह। नवीन सिंह अज जमानत उत्ते रिहा हो जाते ने, रिहाई तो बाद फिर अंदोलन दे विच डट गए ने। रिहाई होण उपरंत अपने परिवार नूं मिलण तो पहला बस्ताड़ा टोल दे उत्ते डटे हुए ने। बस्ताड़ा टोल वह टोल है जिथे कुछ समा पहला हरियाणे दे विच बड़ा भयानक लाठीचार्ज होया सी अते हरियाणे दे अंदोलन की यह थां
हुण जान मन्निया जांदा कि इत्थे अंदोलन दी जान वसदी है क्योंकि ये जिहड़ा इलाका आ अंदोलन दे विच वड्डी भूमिका निभा रहा तां नवीन सिंह अपने परिवार नूं मिलण तों पहलां घर जाण तों पहलां उन्होंने इत्थे अपनी जिहड़ी हाजरी लवाउणी जरूरी समझी अते बस्ताड़ा टोल दे उत्ते इक अपनी हाजरी लवा रहे ने डटे हुए ने बैठ गए ने अपने किसान भरावां दे विच आ के मुड़ के पुलिस उन्होंने गिरफ्तार करती है जमानत हुंदी है तो फिर तो किसानी अंदोलन दे विच डट जांदे ने उन्होंने नाल की कुछ बीतिया अते हुण उन्होंने अगली रणनीति की अगे की सोचते हैं अते जिन्हां दे नाल उन्होंने इन्हां दे नाल जिन्हां ने शर्मनाक हरकतां कीतियां ने जां होईयां ने उन्हां बारे इन्हां दा हुण की सोचना आ उन्हां दे नाल विचारां दी सांझ पाउने आ। नवीन सिंह जी फतेह सांझी करदे आ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। गलबात तुहाडे जीवन तों शुरू करांगे कि किहड़ा पिंड आ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਆਪ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪੈਤਰਿਕ ਗਾਉਂ ਗਕਸ਼ਣਾ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਗਰੋਂਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਵਜ ਥੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਪੱਟੀ ਸਰਿਆਲੀ ਪਿੰਡ ਪੜਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਥੇ। उसके बाद हमें यहाँ रहने लगे जैसे जैसे यहाँ रहने लगे यहाँ की मातृभाषा जो हरियाणवी है वही आएगी। जब मैं 26 नवंबर से धरना चालू होया किसान आंदोलन चालू होया चालू होने के बाद मैं दिसंबर के महीने में सिंगू बॉर्डर पे चले गया। सिंगू बॉर्डर पे जाने के बाद मेरे भरा है मैंने उत्थे 15-20 दिन वैसे सेवा करी मेरे भरा है एक मोहित सिंह गांव गिलोड़ उसका नाम है मणि सिंह जो मेरे से पहले सिंह सजे वो मिला मेरे को। मैं बोले मैं भाई साहब मेरे को सिंह सजना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा। पिंड देने मोहित सिंह ना रोहतक डिस्ट्रिक्ट में गांव गिलोड़ पड़ता है वो मिले मैंने उससे बोले भाई मेरे को सिंह सजना है नुले वेख ले कदे फिर बाद में मैं सोच लिया मैंने समाज सेवा करनी है मैंने सिंह सजना है। उन्होंने बोले ठीक है विसाखी वाले दिन अमृत छक ली मैंने फिर विसाखी वाले दिन अमृत छकिया। अमृत छकने के बाद जी मैंने बाबा मान सिंह से गल करी पहले मैं बाबा जी अमृत तो मैंने छकना है मेरा केस इन्ने इन्ने केस है इन्ने इन्ने केस है तो मगर केस छटे हैं ना। बाबा मान सिंह बोले बोले कोई नहीं केस तो अमृत तू अमृत छक ले केस तो ऑटोमेटिक अपने आप बद दे जाऊंगे। फिर मैंने वहाँ अमृत छक लिया वहाँ अमृत छकने के बाद मैंने घोड़ों की सेवा करता मैं विवेक के पैरे भी आ गया लंगर में। फिर मैं लंगर की सेवा करने लग गया विवेक रखने लग गए। हाँ जी विवेक इस लंगर का पैरा करता सी मैं उत्थे विवेक वो होंगे कि जो जो निहंग सिंह होंगे ने विवेक रखते हैं तो वो संकोच करते हैं बाहर का खाण तो है ना तो वह जो दलों के होंगे जो दलों की मर्यादा होंगी है उन्होंने समझते हैं उन्होंने नभाने की वो तो कोशिश करते हैं तो तुम विवेक रखने लग गए काफ़ी निहंग सिंह जीवन के जुड़न लग गए। तो मैं पूछना चाहना कि विसाखी वाले दिन जिहड़ा सिंगू स्टेज के कोल जिथे अमृत संचार कराया जा रहा है उत्थे तुसीं अमृत छकिया। हाँ जी उत्थे अमृत छकिया बाबा संत श्रोमणी अकाली बुढ़ा दल मौजूदा जत्थेदार बाबा मान सिंह छण मह करोड़ी उनकी उसके छत्र छाया मैंने यह अमृत छकिया। ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਸੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀ ਛੜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਵੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਬਦ ਜਾਂਗੇ ਕੇਸ ਬਦਲਣੇ ਐਸਾ ਇਸਤੇ ਕੇਸ ਬਦਲਣਗੇ। ਯੇ ਜਦੋਂ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਹੋਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਸਿੱਖਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਫੋਨ ਮੇਂ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਗੁਟਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਰਿਆ ਰਾਸ ਹੈ ਗੱਗਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਸੁਣਦਾ ਹੂੰ मैं क्यों मैं पढ़ तो सकता नहीं जो हिंदी में मैं उसको हिंदी में जो हिंदी में आती है मैं उसको हिंदी में पढ़ लेता हूँ जो पंजाबी में आती है मैं उसको सुनता हूँ।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਜਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਲਾਹ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸਿੱਖ ਸੱਜਿਆ ਹੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੂਆ ਫੁੱਫਾ ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਘਾਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੀ ਜੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਆ ਮੈਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਧ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੋਨੀਪਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਗਾਓ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੋਏ ਭਾਈ ਜਿਤੇਂਦਰ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਤਨੀ ਭਾਗ ਦੌੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਇਤਨੀ ਪਬਲਿਕ ਸੱਚਾਈ ਕੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੀ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਮੇਰੇ ਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਾਬਿਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤਭੀ ਤੋ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਦਿਆ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਇਸਕਾ ਕੇਸ ਇਤਨੇ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਾਂ ਉਸਕੋ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਛ ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਛ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜਿਸਕੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਮੈਂ ਛ ਮਹੀਨੇ ਕਾ ਟਾਈਮ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਘੋਨੇ ਮੋਨੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖਣ ਕੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰਾ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਸੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਕੋ ਸਖਤ ਜੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਜਾਏ ਔਰ ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹੈ ਉਸਮੇ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੱਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਹੈ ਉਸਕਾ ਸ਼ੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਚੁੰਟੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਅਗਰ ਉਹਨਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਵਾਣਾ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉਹਨਕੇ ਬਾਪ ਕਾ ਕਦੀਆ ਹੋਇਆ ਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਮੈਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇ ਉਹ ਕੀਆ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੇ ਇਤਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਾਣਾ ਲਾ ਲੈ ਤਾ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਸੋਨੀਪਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਿਕਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਉਸ ਆਰੋਪ ਸਾਬਿਤ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਆਪ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕਿਆ ਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਣੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣਾ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਤੇ
बाबा राजा राज सिंह ने मना किया है कि मैं ना तो आर्डर दिता बना लाने का, मैं ना लहाया इस उन्हों का बना। वो कहते जे मेरे खिलाफ इदा की कोई गलबात निकलती है कौम मेरा सिर कलम कर दे। मानते हो कि उन्होंने ऑर्डर नहीं दिता होगा ज उन्होंने ये फरमान दिता है? बाबा राजा राम ने ये आपको इंटरव्यू में ये कहा है कि मैंने मैंने ऑर्डर नहीं देता। बाबा राजा राम सिंह का जथेबंदी का बंदा है जसी, एक है पप्पू और एक जो सिविल वर्दी में रहता है दस्तार सजाई, मैंने नहीं पता वो सिख है अमृतधारी है या कौन है, वो बंदे रहते मैं पहचान सकता हूँ। एक शेरा सिंह है बाबा कुलविंदर सिंह के, उसमें चुंटे वाला जी खंडा लेके फिरता नहीं शेरा, उन्होंने मेरा वाणा ला दिता। उन्होंने क्यों कौन सा हक है मेरा वाणा गुरु महाराज का वाणा लाने का? बाणा है जा बाणी है तो तुम गुरु ने दिती है, तुसी गुरु तो सिखी प्राप्त की है, किसी नु की अधिकार के तो परखण जा तोड़ा बाणा वो ला। अब 15 तारीख को जो ये बेदबी की घटना आई थी सामने, उसका हाथ पैर है उसका सौदा लाया गया है, एक ये मैंने गुरु साहब का वाणा लाना था, किसी की दस्तार लाने किसी की सीढ़ी साहब लाने, ये भी तेरे गुरु की बेदबी है, इसमें उसको क्या सजा दी जाएगी? मैं तो हाथ जोड़ के महाराज से अरदास करता हूँ, महाराज जी जिसने मेरे साथ ऐसे किया उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी हो। माफिया मांग चुके ने निहंग सिंह, लक्के सिधाने हुरी कह रहे हैं उन्होंने बंदे ने कहा है कि साडा कोई कसूर नहीं ये विच, तुसी कसूर मानते हो उन्होंने सारे का? लक्का सिधाना कह रहा है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। लक्का सिधाना कहता है कि मेरे अकाउंट में 12,000 रुपये कनेडा से फंडिंग हुई है। मैंने लक्के सिधाने को एक गल कही थी, मगर तू एक बार साबित तो कर दे मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल ले, साबित तो कर दे किस डेट में आया, कहाँ से आया, किस अकाउंट में आया, किस बंदे ने भेजे है। मैं कौम का अगर मेरे इस अकाउंट में 12,000 की गल हुई है, मतलब साबित तो कर दो कहाँ से आया, किस डेट में आया, किस बंदे ने भेजे, मैं कौम का गद्दार हूँ अगर मेरे अकाउंट में आया। गल करनी बड़ी जरूरी हो जाती है कि 12,000 की गल की जा रही थी कि इन्होंने खाते के वेस्टर्न यूनियन रही आए हैं, पर 12,000 कोई एड्डी बहुत वड्डी रकम भी नहीं, 12,000 तो हो सकता है कि जिहड़े समाज सेवी संस्थावां ने उन्होंने खात्या के लखां रुपये बाहरों आ जाते हैं समाज सेवा के नाँ के उत्ते, हो सकता इन्हों के किसी परिवार ने भेजे होण, हो सकता कोई सका संबंधी बाहर होने भेजे होण, पर ये गल कह रहे हैं कि मेरे खाते के आए नहीं। मेरे अकाउंट की स्टेटमेंट आज से लेकर जिस दिन तक मैं दलबंद में जिस दिन से मेरा अकाउंट खुला है उस दिन से लेकर विदेशी फंडिंग भी खा दो एक रुपये की भी, वो तो 12,000 की गल करते हैं, एक रुपये की विदेशी फंडिंग दिखा दो मेरे अकाउंट में, मैं कौम का गद्दार मानता हूँ अपने आप को अगर मेरे अकाउंट में भी विदेश से फंडिंग हुई है तो, और इसे फालतू में प्रूफ क्या कर सकता हूँ? विदेश तो फंडिंग तो जिहड़े पंजाबी चैनल बाहरों चलते हैं उन्होंने जिहड़े ये काम करने वाले कैमरामैन ने एंकर ने एडिटर ने उन्होंने तनखाह बाहरों आउंदियां ने, इहदा मतलब वह भी कितने बीजेपी के हो जाएंगे, इहदा मतलब कितने वह भी जिहड़े देश विरोधी ताकतों के उत्थों पैसे ला रहे हैं, कल तुसीं उन्होंने भी कह सकते हो सकता कि जिहड़े इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने भी समाज सेवा के नाँ के उत्ते जां किसी दे घर पाउण के नाँ के उत्ते, अजकल जिवें आपां देखदे हां बाहरों जां किसी इधरों पैसा आउंदा होऊगा फिर तां वह भी बीजेपी RSS जां देश विरोधी ताकतों के हो गए तुसी जी। वो तो विदेशी फंडिंग की बात करते हैं, मैं बाबा अमन दलबंद में जिस दिन से अपने चके मैं उतनी सेवा करता हूँ, बाबा अमन भी हाथ खड़े करके है कि मेरे पास वो परसों आया है, 10 महीने से मैं उसकी मैल गोड़ लंगर दी सेवा करता हूँ, मैंने आज लग बाबा अमन पर नहीं अगर भी लेता गया मैं विदेश से तो कहाँ से लेऊँगा अमन तो भी रुपया नहीं लेता उत्ते इदा सेवा करते। हाँ जिस दिन से मैंने अमृत चका बाबा अमन दे उस सेवा करता हूँ, कोई बाबा अमन से भी मैंने आज लगे 1 रुपया लीता गया, जितने वो कह रहे नहीं मुर्गे वाला कह रहे कि मैंने मेरे से मुर्गा मंगया, जितने महीने में कमाते इतने में खा जाता हूँ, मैं अपने फैमिली मेंबर में अकेला हूँ, मेरी वाइफ यूपी पुलिस में जॉब करती है, मेरे घर की 4 किले है, मेरे को क्या जरूरत है किसी से लेने की? नौजवान जिहड़ा इदां प्रभावित होके सिक्खी दे विच जुड़दा आ जिहड़ा सिक्खी सिधांतां नूं अपणाउंदा आ तां उहदे नाल अजिहा सलूक कीता जाणा तां बहुत ज़्यादा चिंता दा विशा है, इदां दीआं हरकतां देख के आखिर कौण जुड़ेगा, तो हरकतां भी
उन्दे विच ओ लोग सामने होण जिहड़े खुद भी सिख नहीं हन जां आपां कह लईए कि खुद सिक्खी सिधांतां नूं नहीं चंगी तरह वह फॉलो कर रहे हैं जां खुद सिक्खी दे विच परपक्क नहीं हन जां आपां कह लईए सिरों जिहड़े मोने ने तां जदों उन्हां लोकां ने तुहाडे नाल हरकत तुहाडे अपने जिन्हां दल पंथां दे विच तुसीं रहे विच रहे हो निहंग सिंघां ने ते ओह भी जिहड़े सिक्खी दे वड्डे हमदर्द बणदे ने तां मन ते की बीती जुड़ सा बाबा राज राम जी ये कहता है कि मैं ले दल का मुखी बनता है बाबा अमन सिंह ने उत निशान साहब लाया था निशान साहब चढ़ दी कला का प्रतीक होता है कि उसने ये कह के ये बूढ़े दल का निशान साहब उसने निशान साहब ला दिता वो कौन से उसका हो गया निशान साहब चढ़ दी कला का प्रतीक होता जहाँ एक बार निशान साहब लग गया वो दोबारा उतरता नहीं है और उसने फिर बूढ़े दल का निशान साहब कह के निशान साहब ला दिता गया ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਟਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਘੜ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵਹੀ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਕੇ ਮਨ ਮੇ ਕਿਆ ਥਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਾਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਮੈਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੰਬੂ ਮੇ ਜਾਇਓ ਬਾਬਾ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੰਬੂ ਮੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਉੱਤੇ ਬੈਗ ਨਿਕਾਲਣਾ ਉਸ ਮੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋ ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ आधार कार्ड निकलवाने के लिए गया मेरे पास जो बाबा नारायण सिंह हथराणा दल वाले उसके बिद्दी बिद्दी नाम का सिंह रहता है मैं और वो एक ऑटो में बैठ के आधार कार्ड निकलवाने गए जो खालसा ऐड है इसकी तरफ खालसा ऐड की बैक साइड में दुकान है जूस के पास में उसे आधार कार्ड मैंने फोटो अपडेट कराया अपना सिक्खी वाला फोटो मैंने उसमें लगाया उन्होंने बोलिया मगा ये नवीन कुमार का फोटो है मगा नवीन कुमार इसमें मैंने नवीन सिंह कराना है वो बोल रहे मेरे को नवीन सिंह तभी होगा बाबा जी आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा नाम चेंज कराने के लिए मैं कोई बाद में जैसे भी होगा मैं सलाह करके मैं बाद में करा लूँगा फोटो तो मेरा अपडेट हो ही गया है वो फोटो पे है मेरा फोटो अपडेट होया आधार कार्ड पे है बैग में वो आप जाके देख सकते हो मैंने अपने वोट कार्ड की आईडी है जो मैं अभी तक मेरे पास मेरे उत्ते बैग में पे है मैंने वोट कार्ड में भी अपना फोटो अपडेट कराया हुआ है वो अपडेट वोट कार्ड में अपडेट होने के लिए उन्होंने 6 मंथ का टाइम दिया है वो कोई बात नहीं हो जाएगा 6 मंथ में ये फोटो हो ही गया पहला फोटो की सियासत चलती थी तो फोटो की सियासत के विच भी कहा गया कि एक फोटो बहुत कुछ साबित नहीं करती तो जो एक मैं इतने गल कह देनी चाहना कि जो आधार कार्ड का सिस्टम नवा नवा आया उस वेले बहुत सारे पिंड तुहानू अजिहे मिलणगे जिन्हां दे विच आधार कार्ड दे विच कई खामियां बणदे सारी कई खामियां आ गईयां मैं अपने पिंड दी उदाहरण दे सकदा कि साडे पिंड दे विच साडे पिंड दा एड्रैस ते डाकघर गलत लिखिया गया बहुत लोकां दे नाम तक गलत लिखे गए अपडेट कराउण नू कई वार दा समां लग जांदा जिवें कि नवीन सिंह ने दस्सिया कि अपडेट कराउण गए सी अमर छकण दा जिहड़ा उत्थे उहनां नू प्रूफ आ जिहड़ा देणा पैणा सी ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਾਕਘਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ मैं तो हाथ जोड़ से संगत से और गुरु महाराज से अरदास करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ ये बेदबी वाली घटना की गई है मेरा वाणा लाने की सख्त सजा दी जानी चाहिए चाहे इसमें चाहे कोई भी हो इसमें चाहे जस्सी हो पप्पू हो या शेरा सिंह चोंटे वाला हो इसमें जितने भी MLA बाबा कुलविंदर सिंह हो बाबा मैं एक बात कर रहा हूँ अगर मैंने उससे मुर्गा मांगा ये उसको उन्होंने मेरे मारने से पहले मेरी इतने आँख पे भी सट लगी है मेरे घोए पे भी सट लगी है मेरे जितने जितने मेडिकल में भी लगा है मेरे जितने जितने सट है मेरे मेडिकल में भी आई हुई है कि मैं एक बात करता हूँ उन्होंने बैठ के इंक्वायरी करनी चाहिए थी इस चीज़ की सट्टा तो डेकी ने मारी है ये राजा राम का कड़ा लगा हुआ है मेरे इतने राजा राम का कड़ा लगा हुआ है मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ ये देखो
ये बाबा कुलविंदर ने टेग मार रखी है मेरे इतने, टेग उसमें लगी डली हुई थी म्यान में, मार रखे टेग मार रखी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इतने निशान तो वीख नहीं रहा, मेडिकल मारे नीला हो रहा है, इतने सट आई हुई है, मेरी कमर में सट है। किना किना ने मारा ये भी मान ले, जितने दल बंद बाबा कुलविंदर और बाबा राजा राम है, इसके बाबा कुलविंदर वो राजा राम के बंदे थे, राजा राम भी था खुद मारने में, कुलविंदर भी था, जस्सी भी था, शेरा चोंटे वाला भी था, पप्पू भी था, कहीं कहीं कम से कम 10-12 सिंह थे उठे, सभी ने मारे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये कार्रवाई करने से पहले, हाँ मैंने उसके मारे बेटी की घटना के ऊपर मारे हैं, जब उन्होंने उसको कहा कि पहले पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, अगर मेरा कुछ निर्दोष निकलता, मेरे को जो कानूनी कार्रवाई होती जो होती, मेरे को सजा दी जानी चाहिए थी, मैं कम मना करता हूँ, फिर उसकी इंक्वायरी तो करनी चाहिए थी, सच्चाई क्या झूठ क्या है। मुर्गे वाली घटना बिल्कुल भी नहीं हुई, अगर मुर्गे वाली घटना साबित आती है, मेरे पास बलवान शेखपुरा जी और एक हमारे गांव का भांजा है, मैं नाम तो उसका पेटू की बुआ का लड़का है, बांगरू बांगरू उसका, मैं तो जानता नहीं की है कि नाम बांगरू बांगरू लम्बू के नाम से जानते, जो परसों रात को आप 20 तारीख की रात को आप लखे सिदाने का इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, उसे एक लम्बू लम्बू नाम का लड़का रहता है उसके तंबू, उस तंबू में जसवीर सिंह के टेंट के बीच आप इंटरव्यू ले रहे थे उतने, अगर वो मौके पर नहीं होते तो मेरे उन्होंने इतने आगे बताया कि इस पर ऐसे ऐसे कर दिया। वो ये कह रहे जी भी पहला उत्थे लड़ाई हुई है, उस तो बाद तुसी वापस चले गए, उस तो बाद थोनों फिर दोबारा सद्या गया, वह घटना की हुई है, तो उत्थे जो तुहाडी लड़ाई हुई है तुसी वापस बाबा अमर सिंह के दल दे विच चले गए, फिर दोबारा थोनों सद्या गया। मैं जिस टाइम पर बाबा यह घटना होगी, मैं बाबा अमन सिंह के तंबू में आ गए, मेरे साथ में बलवान शेखपुरा भी थे, अंदर तंबू में आगे बैठ गए, तंबू में आने के बाद जहाँ पे आप बलविंदर सिंह का लखे सिदाने रखा उस दिन इंटरव्यू ले रहे थे, उतने आ गए, उतने लोग लग्या पाया, मैं बलवान शेखपुरा जी से बोले मैं हम चलता हूँ तंबू में, फिर मैंने जो पहले इसके राजा राम के दलबंध में रहता था कबीर, इस टाइम बाबा अमन दे दलबंद में रहता है घोड़े की जगह करता कबीर, उस तक उसका फोन आया मेरे को, बोले यार तू किसकी टांग तोड़ गया, मगा की गल हुई गल दस, नोले इतने सारे जत्थेबंदी आ इकट्ठे हो रही है, मगर तू टेंशन ना ले मैं उतें ही आता हूँ, नोले मैं दुकान के सामने खड़ा, मैं कौन सी दुकान के, नोले ला लगे दुकान के सामने खड़ा हूँ मैं, जैसे बाबा अमन के तंबू में से बाहर आते हैं सामने दुकान वाला ना, उसके दुकान के सामने खड़ा मैं उसके पास को गया, राजा ने वो बोले आते, उन्होंने मेरे हाथ में जो मैं वो था शस्त्र था मेरे हाथ में जो बर्चा था मैंने वो रखा, ये आए मेरे को, इन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि गल हुई की नहीं हुई क्या नहीं, इन्होंने सीधा मेरे लफेड़े मारने शुरू कर दिते। बड़े लंबे समय तो अंदोलन के जुड़े हुए हो, तो तुम इतने की कुछ सीखा, की कुछ प्यार मुहब्बत महसूस किया पंजाब हरियाणा के लोगों का, क्योंकि लोग वड्डे गिणती दे विच कहिंदे ने कि पंजाब हरियाणा भाई भाई नूं बना के रखता, भाई भाई बना के पाई पाई तो पाई पाई तो तभी बनेगा, मतलब बनना पे कुछ लोग तो इसको भाई बनाने पे तुले, जैसे जैसे ये आदमी ये इस प्रकार से तो लोगों के दिल में नफरत पैदा होगी, लोगों के मन में नफरत पैदा हुई है, झूठे आरोप लगाना बगैर किसी की इंक्वायरी करना उसके खिलाफ वो करना, जो भी मैंने मेरा दोस्त था मैंने उसको मैंने डांगा मारी है, ये मैंने जब मैंने उसको बीड़ी के लिए रोका उसने मेरे को गिरवान पे हाथ लगा के कि तू क्या कर लेगा, जब गिरवान पे हाथ पा दिया तो उसने गुस्से में बंदा कुछ भी कर दिया, मैंने उसका डांगा जरूर मारी है, मना नहीं करता, उसकी इंक्वायरी उसकी सजा मेरे को मिलनी चाहिए थी, जज के सामने भी मनी, ये तो मैंने जज के सामने भी मनी है, जब जो काम गुरु गोविंद सिंह की लाडली हो जाए सच्चाई के राह पे चलना सिखाती है, सच सच में बोलता हूँ मैं इस चीज़ से मुकर नहीं रहा, ना मैं पहले मुकर रहा ना मैं नहीं मुकर रहा, मैंने राजा राम जिस टाइम मेरे को मार रहे थे मैंने उनको ये बोले मैं बाबा जी मेरी एक गल तो सुनो, मेरी गल तो सुनो, बात तो सुनो की हुई की नहीं हुई, मेरी को उस टाइम किसी ने सुनवाई नहीं की गई है। बड़ी गल है कि जिमें नवीन सिंह ने आख्या है कि पंजाब हरियाणा का भाई भाई जो हम अंदोलन प्यार बनाता पंजाब हरियाणा के लोगों के जिहड़े इस अंदोलन के लोगों ने नेड़े लियाता, जिस अंदोलन के लोगों अपने असली असली अपने अपने का बगाने का पराए का एहसास करवाता, यह प्यार
यह अपनापन ता ही बनया रहेगा जेकर अजिहियां हरकतां नहीं होणगियां। तो जदों अजिहियां हरकतां होणगियां तां लोकां दे मनां दे विच जिहड़ी आपसी फुट उह पैदा होगी कि किवें असीं इक दूजे नूं भाई मान लीए तां बिना पुछे इक दूजे नूं कुट दिंदे ने। तां बिना सबूतां दी जांच करे बीजेपी RSS दा एजेंसियां दा बंदा गरदान दिंदे ने। इह तां बिना जांच कीते किसी नूं कह दिंदे ने कि इहनूं वी हुण इसे ढंग दे नाल वढ़ दो। इह तां बिना जांच करे कह दिंदे कि फाहे ला दो। इह तां बिना जांच करे कह दिंदे कि साडा नहीं हैगा, इह साडे अंदोलन दे विच विघन पाउण वाला, अंदोलन नूं खत्म करन वाला। पर इह नौजवान जिहदी गवाही सारा करनाल शहर भर नूं तैयार आ, इहनां दे पिंड भर नूं तैयार ने कि इह नौजवान बड़े लंबे समय तों अंदोलन दे विच डटे हुए आ। जे मैं गलत ना होवां कि पहले दिनां तों अंदोलन दे विच डटे हुए। पहले दिन से नहीं हूं, मैं 26 नवंबर से धरना शुरू होया था। मैं तकरीबन दिल्ली जदों धरना किया 12 दिसंबर को मैं दिल्ली चलाया गया था धरने में। 12 दिसंबर को दिल्ली उदों तों उत्थे लगातार डटे हुए, लगातार मैं 2-4 दिन घर आ गए, 10 दिन आ गए, 5 दिन आ गए, 1-2 दिन फिर आते जाते रहते थे। लखे सिधाण ने कहा कि यह कालियां भेडां ने जिहड़े निहंग सिंघां दे रूप दे विच निहंग सिंघां नूं बदनाम कर रही ने, इन्हां नूं इन्हां चों कढ़िया जावे। लखे सिधाण खुद ही कामरेड है, खुद ही कामरेड है, वो दूसरे को क्या करेंगे। कितने दिन से धरना चल रहा, लखा सिधाणा में 26 जनवरी के बाद कब गया दिल्ली, अभी तो गया है, कितने दिन बाद आया हो। किसी के बारे में जवाब देने से पहले, कुछ बोलने से पहले कुछ उसको सोचो, तोलो, परखो, तब किसी के बारे में विचार करो। अगर उसकी माँ ने इतना दूध पिलाया ना, या बस्ताड़े टोल टैक्स पे आके हुए खा दे, गुरु सच्चे पातशाह दे पुत नहीं है, अगर मारे में वो कर गया तो उसने माफी नहीं मांगी ना। टोल किने लखे सिधाणे ने अगर 2 दिन के अंदर वीडियो वायरल करके माफी नहीं मांगी ना, या हमारे बुजुर्गों ने सभी ने कह दिया है, और अभी 2 घंटे पहले चैलेंज भी किया था और पूरा कह भी दिया था, फिर ये हरियाणा के हैं, लंबा घेर के भी माफी मंगवाओगे, या तो 2 दिन के अंदर। हाँ, ये पूछो बाबा जी से बात कर लो। हाँ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾਟੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਪਾੜਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ, ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, 96 ਕਰੋੜ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਾਖ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਮਾਫੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਕੌਮ ਦੇ ਗਦਾਰ, ਆਪ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ, ਉਹ ਹੈ ਕੀ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਉਹ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ, ਖਬਰਦਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਜਾਏ ਸੀ, ਉਹਨ ਪੰਜੋ ਪੰਜੋ ਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਟਨਾ ਮੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਥੇ, ਉਸਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਇਸਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਪੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਓਗੇ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਧਰਮਾ ਸਿੰਘ ਅੜਦੇ ਯੂਪੀ ਕੇ ਥੇ, ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਤੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਕੇ ਪੇਟ ਸੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਤਾ, ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਸੇ ਸਿੱਖਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਤਾਂ बारे की ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ पूरे भाई मोढ़े ना मोढ़ा ਲਾਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਭੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਦਮੀ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ पूरा स्टेट पूरा देश सच्चाई दे नाल खड़ा होता है कि मैं सच्चा था, तभी मेरे नाल खड़े हुए हैं, झूठ के नाल कौन खड़ा होता है। मैं जितने भी मेरे पिंड वाले थे, किसान आकू थे, जिन्होंने मेरा इसी विपता की गाड़ी में, भाई जितेंद्र जी है, भाई अमित मोर जी है, जितने भी है महिला जी है, जितने जिन्होंने मेरा दलबीर संधु जी है, जितने भी मेरे पिंड के जगड़ू सरपंच जी है, भाई समय सिंह है जी, जी मेरे बड़े भाई सिंह है जी, जिन्होंने मेरा इस विपता की घड़ी में साथ दिता गया है, भाई जगदीप औलख जी है, जितने भी है मैंने किसान आपको इतनी बड़ी उसमें मैं सभी का नाम तो ले नहीं सकता, मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, मैं इनका हाथ जोड़ से धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं सारी उम्र इनका आभारी रहूँगा और कर्जदार रहूँगा। मैं ये पूछना चाहना कि हुण अंदोलन दे विच सिंघू बार्डर ते उत्थे निहंग सिंह जथेबंदियां दे कोल वापस जाओगे? यह मोर्चा तो वैसे छड़ा नहीं जाता, इतना मोर्चा फतेह नहीं होता, एक तरह तो किसान यहाँ पे चाहे मेरे को यहाँ बस्ताड़ा टोल धरने पे या पानी पर टोल धरने पे या जिते भी धरना लगेगा मैं सेवा करूँगा, चाहे दिल्ली मोर्चा हो या कितने भी हो, मोर्चा छड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ, मैं सेवा करूँगा, जितनी गुरु महाराज ने मेरे पे सेवा लेनी है मैं जरूर करूँगा, चाहे एक दिन की गुरु महाराज ने एक दिन की सेवा लेनी हो, चाहे मेरी सारी उम्र की, मेरे इतने मेरे शरीर में रोम रोम है, इतने मैं गुरु गोविंद सिंह की सेवा करूँगा। गुरसिखी तुसी अपनी मर्जी दे नाल धारण की, सिखी स्वरूप तुसी अपनी मर्जी नाल धारण किया, तुसी प्रभावित होए, तुहानू निजम चंगे लगे, तां की सिखी दे विच बने रहोगे जां सिखी सिद्धांतां नू अपना के रखोगे? सिखी मैंने ना तो किसी को दबाव में आने से ली है, मैंने अपनी मर्जी से ली है, ना मैं किसी को दबाव में आने से चोला उतारने वाला हूँ, या गुरु गोविंद सिंह का चोला है, गुरु गोविंद सिंह ने जितनी मेरे पास सेवा लेनी है, मेरे रोम रोम में गुरु गोविंद सिंह है, जिसने इस देश के लिए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर देता, मैं अपना जीवन भी कुर्बान कर देता इस देश की सेवा के लिए, इस किसानों के लिए, जिन्होंने ये अन्नदाता है, ये देश का पेट भरने वाले हैं, मैं इसके लिए मैंने चाहे अपनी जान भी क्यों नहीं देनी पड़े, मैं इसकी किसानों के लिए गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौजा, मैं चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं इससे दूर नहीं हटने वाला, मैं इतने मेरा जीवन में रोम रोम में सांस रहेगा, मैं इसकी सेवा करूँगा। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹੂੰ या और कोई है, सच्चाई के नाल खड़े हो, झूठ के नाल नहीं खड़े हो, चाहे इसमें मैं हूँ या कोई, अगर मेरे में कोई दोष हो तो मेरे भी जूत मारो, अगर किसी में और में हो तो उसको भी जूत मारो, सच्चाई का साथ दो हमेशा, झूठ के नाल नहीं। सन नवीन सिंह दे नाल गलबात कीती, उन्होंने सारा वो घटनाक्रम भी दसिया है, तो उन्होंने जिहड़े नाल दे ने, उन्होंने नगर निवासी ने, जां बस्ताड़ा टोल दे उत्ते जिहड़े लगातार धरने दे उत्ते लोग डटे हुए ने, उन्होंने भी ये गल्लां आखियां ने कि जिन्होंने भी यह घटना की है वो माफ़ी मंगण, उन्हों की माफ़ी तो बाद ही माफ़ी उन्होंने तो मंगवाई जाऊगी जी। भाई छोटा भाई है मेरा, गाँव का है, हाँ भाई है छोटा, तो हमने इसका पता लग दे उसी टेम हम अस्पताल में पहुंचे जहां उस बच्चे की टांग का था भाई तोड़ रखी लठा गिल्ली, हम वहां पर पहुंचे जैक उसको देखा, उसकी टांग बिल्कुल डॉक्टर की श्याम उसकी चेक करवाई, और एक जो है नी उसकी पिंडी पर जो है नी लठ लग रहा था, डॉक्टर ने पूरी करके भाई टांग नहीं टूट रही है, हमने फिर बैठ कर उस कुणबे के साथ सलाह मशोरा करया, वह सहमति बनी मारी और ये कहा भाई हम कल न 4 बजे लिख कर दे देंगे, शाम का टाइम हो गया था और थानेदार भी ओड़ी था, SI भी ओड़ी था, भाई यह कहा यू टाइम पर जाकर हम उसको लिख कर दे आए, उन लिख कर दिया है, वह
अगर भाई हम चार इंच बदला का टेम दे दो, हमारा कोई वो नहीं है। और फैसला हो गया था हमारा, रातों रात इसका वो कटा गया चलान। तो हमने फिर देखा भाई जी वहां हम दोनों सहमत हैं, कोई छोटी मोटी घटना होगी है, बेट का हमें समझौता कर लिया था, उन्होंने तो गिल्ली सैड देसी इस पर चलान कट दिया। पहली बात तो यह है कि इसका जो डेंटी कार्ड है इसके सारे सबूत पेश है, और सारा गांव के सारा करनाल इसके साथ है, और सारे जा रहे हैं, और इस सारे हम थाने में भी गए, अस्पताल में भी हम गए हैं खुद, और वहां जाकर उनसे हमने सारी बात करी है। उन्होंने यह कहा भाई बीड़ी का थोड़ा मसला था, चल कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। इतना कहूं मैं अगर भाई इसका बहुत बड़ा मसला बनाया गया जितना नहीं बनना था, यू आंदोलन को खराब करने के लिए, इसलिए हम बूढ़े बैठे हैं, आंदोलन को खराब नहीं होने देंगे। ये गल मानते हो कि गुरु के घोड़िया की सेवा की है, गुरु पंथ की सेवा की है, तो जो इल्जाम लगे सी गुरु ने उस चो बरी करा लिया, या आ लोगों का सत्कार गुरु ने दवाया? और महाराज की अति कृपा है कि जो मैंने महाराज की लो लंगरा की सेवा की गई है, घोड़े की सेवा की गई है, उसका परिणाम महाराज ने मेरे को दे दिया गया। समाज नाल ला लो या मेरे पिंड नाल ला लो या किसान आखू नाल ला लो किसी दम नाल ला लो, महाराज ने मेरा उस आत्म सम्मान मेरे को वापिस दे दिया गया। जसा सिंह आलूवालिया जी ओ गुरु ओ भी पंजाबी नहीं सन जानते, जसा सिंह आलूवालिया जी भी पंजाबी नहीं सन जानते, उन्होंने नाल दे सिंह भी उन्होंने कितना कितने मखौल है जिहड़ा करिया करदे सी, वो नवाब कपूर सिंह जी को शिकायत लैके जाते हैं, तो नवाब कपूर सिंह जी कहते हैं कि मैं घोड़िया की सेवा करता सी, मैनू पंथ ने नवाबी बख्श दिती, तो तुसी भी सेवा करते रहो, पंथ बहुत कुछ बख्शता है, वह महाराज बहुत कुछ बख्शता है। तो नवा जसा सिंह आलूवालिया जी नू जो सत्कार कौम ने दिता, जो 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 इज्जत मान कौम ने दिता, आगू बनाया वो तोड़े सामने है, तो यह भी एक उदाहरण है, इतिहास अपने आप नू मुड़ तो दोहराउंदा, असी सुल्तान उल कौम की उपाधि जी कौम ने दिती सी, असी यही असी कंपेयर नहीं करते, बस ये कहने कि इतिहास अपने आप नू दोहराउंदा जरूर हुंदा आ। तां नवीन सिंह ने गुरु घर दे विच सेवा की, गुरु के पंथ के घोड़िया की सेवा की, हालांकि उस तो बाद बड़े गंभीर इल्जाम तक लगाए गए, RSS BJP तक का दस दिता गया, वो अजिहे इल्जाम लगाए गए कि अजिहे इल्जामों के घर के भी मैं लगता अपने पुत्तों ने कबूल ना करन कि मुंडा साडा नहीं हो सकता, पर गुरु पातशाह ने अजिहे इल्जामों के कढ के लिया के अज फिर अपने भरावान का अपने लोगों का जिहड़ा सत्कार है वह बहाल कराया आ। तो यह वड्डे सवाल ने हुण उन्हां लोकां दे उत्ते जिन्हां ने इल्जाम लगाए सी, तां नवीन सिंह ने आख्या है कि वह साबित करन कि जिहड़े मेरे उत्ते इल्जाम लगाए ने उन्हां कल्ले कल्ले नूं साबित करन कि कित्थों मैनूं बाहरों पैसा आया। आधार कार्ड वाली गल उन्हां ने क्लीयर कर दित्ती है कि आधार कार्ड जिहड़ा वह दस्सिया जा रहा सी कि आधार कार्ड आ जां हाथ दे उत्ते ओम बनाया होण करके वह पिछों हिंदू परिवार दे विच्चों ने, तो हाथ दे उत्ते ओम पुराना बनाया होया, हुण इह तां है नहीं कि जिहड़ा मास दे विच अंदर खुद के जिहड़ी चीज़ बनाई हुई है उहनूं कोई किवें कढवा सकदा है, जां अजिहियां जिहड़ियां किसी दे पछोकड़ देखो जी किसी के पिछोकड़ को देख के वो उत्ते गल करनी कि वह अगला भविख यह नहीं हो सकता, जोड़े पिछोकड़ देख के तुम हिंदू परिवार चो सी है तो सिख नहीं हो सकते, अजे इल्जाम लगाए गए जिन्होंने, हालांकि जिन्होंने इल्जाम लगाए ने उन्हों का पिछोकड़ भी लुट्ट मार वाला रहा, उन्हों का पिछोकड़ भी कट वाढ़ा रहा, उन्होंने पिछोकड़ भी डाकू वर्ग रहा। असी वैसे भी शुरू से शहीद भगत सिंह के पुत है, संधु गोत्र अपना पट्टी शरीर वाली पिंड है, अपना भगत सिंह का खून है, हमेशा से क्रांतिकारी रहे हैं और आगे भी क्रांतिकारी रहेंगे, जो देश पे भी बताए या मेरी कौम पे आए या किसी पे भी आए, अब उसके लिए मरने कटने के लिए भी हमेशा तैयार रहेंगे, चाहे ये क्या है हिंदू कह ले मुसलमान कह ले सिख कह ले क्रिश्चन कह ले कुछ भी कह ले, इसमें आपस में बांटने और ये पाड़ने की ये किसान आंदोलन करने की इसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसको हम नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इस किसान आंदोलन को हम फतेह की तरफ लेके जाएंगे, चाहे इसमें हमने अपनी कुर्बानी क्यों नहीं देनी पड़े, इतने किसान आंदोलन फतेह नहीं होता, इतना हम अपने दिन रात इस पे काम करते रहेंगे। नवीन सिंह ने जिम्मे के पहला दस्या कि पिछों सोना वधिया जिमीदार परिवार है, कीले भी दसे ने उन्होंने दस्या है कि जिहड़े इन्हां दे धर्म पत्नी ने वह भी
हरियाणा पुलिस दे विच काम करदे ने तां लगातार अंदोलन दे विच बने होए ने तां 12,000 दीआं जिहड़ियां गल्लां कीतीआं जा रहीआं सन ओह जिहड़ा इहनां दा परिवारक पिछोकड़ा उहनूं देख के तां इंज लगदा कि बड़ी तुच्छ रकम आ तां जवाब मंगदे ने जवाब उहनां लोकां नूं वी देणे पैणे ने जिन्हां ने इहनां दी सिक्खी परखण दीआं गल्लां कीतीआं ने जां जिहड़े आप सिख नहीं जिहड़े आप सिक्खी सिधांतां दे अनुसार नहीं चलदे जिहड़ा आप सिरां तों रोड़दे ने ओह इहनां दीआं इहनां नूं कहिंदे सी कि इन्ने इन्ने कबाल ने तां इह गल्लां ने इह किसी का बाणा ला होना जिम्मे कि नवीन सिंह ने पहला आख्या कि जिम्मे गुरु की बेअबदी करनी पाप है ओकने गुरु का बाणा ला होना भी उड़ा ही वड्डा पाप है तो गलती यह भी उड़ी वड्डी है पर अज भी अंदोलन के नाल खड़े ने कह रहे हैं अंदोलन के नाल खड़े रहेंगे उन्होंने पिंड वाले का कहना है कि अंदोलन के नाल साडा नौजवान खड़ा सी ते खड़िया रहेगा पर यह कह रहे हैं कि जवाब जरूरी ने जवाब सोशल मीडिया के उत्ते भी आम भी हर पासे हुण लोग जिहड़े उह मंग रहे ने तां जवाब उन्होंने लोगों नूं हुण जरूर देना पैना है। तुसीं बने रहो के टी वी चैनल दे नाल कैमरामैन सहयोगी सिमरतपाल सिंह दे नाल मैनूं मनदीप सिंह नूं बस्ताड़ा टोल तो दिओ इजाजत धन्नवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भारतीय किसान यूनियन पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद 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 छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद 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 जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद 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 पंजाब हरियाणा भाईचारा जिंदाबाद 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 जागरा गजाए बाबा फतेह सिंह के सीधी चरणा नु पावे सत श्री अकाल जगारा गजाए बाबा गुरु गोविंद सिंह शहीद चरणा नु भावे सत श्री अकाल।